नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार के कई जिलों में राम नवमी के बाद से ही हिंसा की आग में जलता हुआ बिहार नजर आ रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है और किस तरह से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचता हुआ नजर आ रहा है, इस खास रिपोर्ट से समझे। बिहार में राम नवमी के दिन से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सासाराम में जमकर पत्थरबाजी और बमबाजी हो रही है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम हिंसा ग्रस्त इलाकों में तैनात है। इंटरनेट और धारा 144 से हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साध रही है, तो वही जेडीयू और आरजेडी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त कदम उठाने की बजाय इफ्तार पार्टी करते नजर आए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के फुलवारी शरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी मंच पर दिखाई दिए। इफ्तार पार्टी के लिए बनाए गए मंच के बैकड्रॉप में लाल किले का बड़ा सा होर्डिंग लगा नजर आया। संदेश साफ है कि नीतीश कुमार अब बिहार से निकलकर दिल्ली के सपने देखने लगे हैं। शायद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम नीतीश के सपनों को पहले ही समझ गए थे। उन्होंने नवादा की रैली में कहा था कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि पीएम का पद अभी खाली नहीं है। जनता ने तीसरी बार के लिए भी नरेंद्र मोदी को अभी से प्रधानमंत्री मान लिया है। दरअसल पहले बंगाल में हिंसा, गुजरात में आगजनी, फिर बिहार और झारखंड में बवाल। आखिर हिंसा की आग के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? अब सवाल उठने लगे हैं कि ये दंगे महज संयोग है या सोचा समझा प्रयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।